हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 to 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। और आज हम देखेंगे कि क्यों बार बार आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, क्यों बार बार आपका झगड़ा होता है, आपको आपके साथ चीटिंग होती है। और कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस और एंजल के मैसेजेस भी हम देखेंगे गाइडेंस के लिए, कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बदलाव आपको एक्चुअली अपने आप में लेकर आना चाहिए जिससे कि आप आगे अपनी लव लाइफ में हमेशा खुश रह सकें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है सिर्फ उसी को फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। 15 to 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड रिवर्स में आया है। कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेंगे। कर्क राशि, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी की स्थिति और आने वाले जो 15 दिन हैं 15 to 31 बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लव लाइफ में। बहुत कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर करता है अपने आप से या दूसरे दोस्तों से। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी इन 15 दिनों में आप ये सोचने वाले हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको वो पर्सन चाहिए भी सही लाइफ में। सो आप बहुत बार ऐसा कदम बढ़ा चुके हो कि आगे बढ़ चुके हो, लेकिन फिर से आप लौट आते हो और कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं कर पाते। इन 15 दिनों में मैं आपको ये कहूँगी कि फिर से एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जब आपको ऐसे लगे कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे कुछ इस रिश्ते में नया नहीं करना, मुझे कुछ समझाना नहीं है। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि एक नई दिशा आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कोई नया पाथ मिल सकता है, कोई नया ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर दे कि भाई तुम गलत जा रहे हो, इस तरह जियो, थोड़ा अपने आप में बदलाव लेकर आओ। तो ये गाइडेंस जैसे ही आपको मिलेगी, हो सकता है ये वीडियो देखकर भी आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको थोड़ा एटीट्यूड में आ जाना चाहिए। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, सो आपको भी थोड़ा एटीट्यूड में आना चाहिए। आपको अपनी रूल्स पे जीना चाहिए, अपनी चॉइस से जीने की शुरुआत करनी चाहिए। ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर रहे हो ना अपने आप में, यही रीज़न है कि वो पर्सन आपको बार बार डोमिनेट करता है, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि इन 15 दिनों में सडनली आप अपने आप में बदलाव देखोगे। या तो किसी की गाइडेंस से बदलाव आएगा, या फिर कोई ऐसी बात होगी, कोई एक ऐसा झगड़ा हो सकता है जिसके बाद आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जाग जाए, आपका ईगो आपको कहे कि बस बहुत हो गया, अभी अब आगे नहीं बढ़ना है इसमें, है ना। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा मैसेज आपको मिलता हुआ दिख रहा है जिसमें आप अपनी वैल्यू करने लगोगे। आप समझ जाओगे कि भाई ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि इन 15 दिनों में आपका एक नया जन्म होगा। नया जन्म इट मीन्स कि अपने
अपनी समझ का एक नया जन्म होगा, अपने आपकी हीलिंग होगी, जिसमें आपके सारे आपका ऑरा क्लीन होगा, जिससे कि एक आंखों के सामने एक पर्दा होता है ना आदमी के, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई देता है, वो भी हट जाएगा इस बार। और एक्चुअली आप समझ पाओगे कि यार मैं रियली कहाँ था, मतलब आपको फील होगा कि मुझे सब पता था फिर भी मैं इसी जगह था, वाह, मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। लेकिन ये मुझे दिख रहा है लास्ट में, अक्टूबर लास्ट में मुझे ये नज़र आ रहा है, उससे पहले ये चेंजेस की शुरुआत हो जाएगी, चाहे आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाए या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको सही दिशा दिखा दे, आपको हील कर दे आपके एक्चुअली आपको रियली हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी समझ बढ़ सके। और एट लास्ट विक्ट्री कार्ड यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि यस बहुत ही अच्छे से आपकी विक्ट्री यहाँ नज़र आ रही है, हर तरह से आपकी जीत होगी, आपकी लव लाइफ में चाहे पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो तो भी आपकी जीत होगी, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो भी आपकी जीत होगी, एक नई शुरुआत होगी तो भी आपकी जीत होगी। तो बहुत ही पॉजिटिवली मुझे दिख रहा है कि इन 15 दिनों में आप में एक नया चेंजेस आपका पार्टनर देखेगा, कि जिस पर्सन के साथ मैं इतना टाइम से जी रहा था वो ये पर्सन नहीं है, अब मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्यों बार बार ब्लॉकेज आती है आपकी लव लाइफ में। कर्क राशि, आपकी लव लाइफ में बार बार ब्लॉकेज क्यों आती है? डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने कहा ना आपका पर्सन आपको, मतलब कोई भी पर्सन आ जाए लाइफ में, अभी तक जितने भी आपके रिश्ते रहे हैं, आप सबके सामने इस तरह रहे हो चूहे जैसे दुबककर, जैसा जैसे जिसने कहा वैसे ही आप मान जाते हो, वैसे ही हो जाते हो, क्योंकि आपको तो कोई चाहिए बस लाइफ में जो आपके पास रहे, आपके आसपास रहे। और बहुत जल्दी इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपको समझ में आ जाता है कि भैया ये मुझे बहुत ज़्यादा है, रिस्क करने लगे और आप निकल जाते हो वहाँ से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका नेचर भी ऐसा है कि आप टिके हुए नहीं रहते हो किसी भी एक रिश्ते में, ये बहुत बड़ा रीज़न है ब्लॉक होने का। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी आपको अट्रैक्शन होता है, आप किसी भी एक पर्सन के साथ परमानेंट नहीं रहते हो, आपको ऐसा लगता है अरे कुछ टाइम बाद आपको दूसरा पर्सन अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा है, और आप फिर से उसको छोड़ देते हो और दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। एक्चुअली इमोशंस अभी तक आपको एक कहते हैं ना कि परफेक्ट फीलिंग किसी के साथ भी नहीं आई है, सो वो परफेक्ट पार्टनर मिलने में तो अभी टाइम है। और डेविल और ये वॉन्ट्स कार्ड दोनों मुझे ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ आपको फिजिकल अट्रैक्शन रहता है लोगों से, नथिंग एल्स, तो ये बहुत ही बड़ी कमी है आप में, जिसकी वजह से आप उस पार्टनर के साथ कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सोचते नहीं हैं, आप सिर्फ अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, और सिर्फ आपको ऐसा होता है कि ठीक है सब कुछ अच्छा है बहुत अच्छा है, और आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए हो, मतलब एक प्योर फीलिंग के साथ आप किसी भी पर्सन के साथ आज तक कनेक्ट नहीं हुए हो, कर्क राशि, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप खुद ऐसे हो जो किसी के भी सामने झुक जाते हो, क्योंकि आपको उस पर्सन का साथ चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए बस। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, या अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करो जिससे कि कोई भी पार्टनर आपके सामने हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर आप उसे दिल से चाहते हो ना तो आप उसे एक्सेप्ट कर सको। वो कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, वो समझ भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत इमेच्योर बिहेव आप कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि आप ट्रैवल भी बहुत करते हो, तो क्या होता है कि बहुत बार जहाँ पर आप जाते हो वहीं पे ही आपका मिलना होता है, और आप फिर आगे बढ़ जाते हो, भूल जाते हो, फिर किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हो। सो यहाँ पे कोई परमानेंट रिश्ता मुझे आपकी लाइफ में अभी आता हुआ नहीं दिखा है, और आपने, मैं ये कहूँगी कि आपने भी आज तक दिल से किसी को ऐसा फील नहीं किया है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स और एंजल के मैसेजेस कर्क राशि आपके लिए। देखिए ये कार्ड कहता है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप खुद कनेक्ट नहीं हुए हो अभी तक किसी ऐसे पर्सन के साथ, बहुत प्योरली आप कनेक्ट नहीं हुए हो। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स भी ये कह रहा है कि थोड़ा ऑनेस्ट बनो, इतनी बार मतलब अलग अलग पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो गए तो कैसे होगा। एंजल मैसेजेस, ओके। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत से आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको कि कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, उन्होंने बहुत सच्चा प्यार किया लेकिन फिर भी उनको चीटिंग मिली, उनको धोखा मिला, अगर आपकी ऐसी सोच है और इसकी वजह से आप प्योरली किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स क्लियरली ये मैसेज दे रही है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सब इंसान को धोखा नहीं मिलता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होगे जो रियल में रियल है, तो वो पर्सन आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा। सो आपको किसी को देखकर नहीं जीना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। अपने लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहिए, या फिर किसी और को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, ये तो सब ड्रामा है। बहुत से आज की न्यू जनरेशन को ये ऐसा हो गया है कि वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे यार ये प्यार व्यार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, है ना। तो वो सोच आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स कहता है कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है लाइफ में, सब में अपनी अपनी क्षमता है। अगर आप जो जिस तरह और जो प्यार आप देकर किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको भी वो ही मिलेगा। सो डोंट वरी, और उसके लिए आप कुछ रिचुअल कर सकते हो, सेल्फ लव करना स्टार्ट करो तो आप समझोगे कि एक्चुअली प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा आपने देख लिया है कि आपको ऐसा लगता है कि यार खुद से मतलब खुद से भी आप प्यार नहीं कर रहे हो, खुद के साथ ही गलत पे गलत गलत पे गलत किए जा रहे हो। कुछ सेकेंड के लिए बैठ कर सोचो कि आपने अपने आप के लिए क्या अच्छा किया, आपको समझ में आएगा आपने सेल्फ लव करना भी छोड़ दिया है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बॉडी पे, अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे, सब पे सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद की बॉडी से प्यार करो। यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है कुछ सेकंड के लिए। कोई क्रिस्टल भी आप वेयर कर सकते हो जिससे कि आपको सही डायरेक्शन मिले। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए अच्छा होगा, आप एक्वामरीन क्रिस्टल भी पहन सकते हो जिससे कि आपको सही डायरेक्शन मिले, सही कम्युनिकेशन मिले और आप एक तरह से डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सको। अपनी डाइट पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूसेस ये सब खाएं और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी भी प्योर हो गई है। शील्ड योर सेल्फ, तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव लोग अगर आपके सराउंडिंग में हैं तो उनसे दूर रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहें। अगर आप कोई भी हीलिंग एनर्जी जानते हो तो अपने आप को प्रोटेक्शन रखो, और अगर नहीं जानते तो किसी से भी मिलने से पहले अपने भगवान से प्रे करें, एंजल से प्रे करें कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कवच प्रदान करें जिससे कि आपको आप उनकी नज़र से, उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप बच सको। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिनों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी और आप इसे फॉलो भी करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।